नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण। स्वागत करता हूँ जागरण हाईटेक के एक लेटेस्ट वीडियो में। आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बहुत चर्चाएं होती हैं, लेकिन ज्यादातर सिर्फ पैसेंजर व्हीकल्स की, कमर्शियल व्हीकल्स के बारे में कम ही लोग बातें करते हैं। अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूँ, जहाँ मैं रहता हूँ दिल्ली, तो यहाँ मुझे सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर दिखता है वो है ऑयलर। अभी तक ये सिर्फ थ्री व्हीलर्स बनाते थे, लेकिन उन्हें कमर्शियल व्हीकल की चेन में सबसे नीचे देखा जाता है, उनकी इज्जत थोड़ी सी कम होती है। इसी बात को रियलाइज करते हुए ऑयलर मोटर लेकर आए अपना पहला फोर व्हीलर ईवी, जिसे वो कहते हैं स्टॉर्म। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लुक्स के बारे में। फोर व्हीलर्स के लिए लुक्स ज़्यादा मैटर नहीं करते थे, लेकिन ऑयलर के लिए ये मैटर करते हैं। और आप फ्रंट देख सकते हैं, एक टाइगर से इंस्पायर्ड डिज़ाइन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फ्लैट प्लास्टिक पैनल है जो कि ग्रिल को इमिटेट करता है, और इसके अंदर आपको ऑयलर की बैजिंग मिलेगी। यहाँ पर आप डे टाइम रनिंग लाइट्स को देख सकते हैं। इनका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर मैं आपको बताता हूँ कि आपकी बैटरी का स्टेट ऑफ चार्ज बता सकती है। जी हाँ, ये सेगमेंट में ऐसा फर्स्ट फीचर होगा कि आपको DRL में दिख जाएगा कि आपकी बैटरी कितनी चार्ज हो रही है। हमने इसके लुक्स के बारे में बात कर ली, स्टार्ट करते हैं थोड़े से स्पेसिफिकेशंस के बारे में। T1250 जो आप मॉडल नंबर देख रहे हैं, बेसिकली इसकी लोडिंग कैपेसिटी है, यानी कि 1250 kg की। इसके नीचे आप आर्मर्ड देख रहे हैं। एक्चुअली क्या है, जो इसकी शैसी है वो आपको दो थिकनेस ऑफ स्टील में मिल जाएगी। 1:2.5 mm एंड 2:4 mm। जो 4 mm वाली है उसे कहते हैं आर्मर्ड। एंड बॉक्स टाइप की शासी यूज होती है, जैसे कि लैंड रोवर्स और टोयोटास में यूज होती है। काफी रोबस्ट रहती है, काफी लॉन्ग लास्टिंग भी आप इसे कह सकते हैं। अगर आप साइड में आएंगे तो आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखेगी, ADAS। ऑयलर का स्टॉर्म भी ऐसा पहला लाइट कमर्शियल व्हीकल बन गया जिसमें आपको ADAS मिलता है, फ्रंट कोलिजन वार्निंग उसके अंदर मिलता है, प्लस आपको नाइट विजन भी मिल जाता है, जिससे आपके फ्लीट के ड्राइवर्स काफी सेफ महसूस करेंगे रोड्स पर। हम इसके साइड में खड़े हैं। ऑयलर आपको स्टॉर्म के साथ दो टायर स्पेक्स अवेलेबल कराता है। दोनों 14 इंचेस के ही टायर हैं, लेकिन आपको एक 165 सेक्शन में मिलेगा और आपको एक 185 सेक्शन का टायर भी मिलेगा। 185 सेक्शन का टायर बेसिकली वो लोग लेंगे जिनको ज्यादा या फिर इसको एक तरीके से ओवरलोड करके ही चलना है, तो वो उस टायर को ऑप्ट कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल है तो ऑफकोर्स चार्जिंग टाइम आपके लिए काफी मैटर करता होगा। 3.3 किलोवाट ऑन बोर्ड चार्जर के साथ आप इसको बेसिकली 6 घंटे में चार्ज कर सकते हैं। 6.6 किलोवाट चार्जर के साथ इसे चार्ज करने में लगभग टाइम 2 घंटे कम लगेगा, यानी 4 घंटे का। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, ये आपको 100 किलोमीटर की रेंज मात्र आधे घंटे में प्रोवाइड कर देगा। हम ऑयलर स्टॉर्म के रेयर में खड़े हैं और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिखेगी वो है कार्गो बेड। लेकिन उसमें जाने से पहले मैं आपको नीचे लाइट्स दिखाना चाहूंगा। इसमें नीचे की तरफ आपको ब्रेक लाइट्स दिखेंगी और ऊपर की तरफ आपको इंडिकेटर्स दिखेंगे। काफी इंटरेस्टिंग डिजाइन है कमर्शियल व्हीकल्स के लिए, काफी डिजाइन में इन्होंने काफी इनोवेशन किया है। देखा जाए काफी स्टाइलिश लगता है ये अपने थ्री व्हीलर वेरियंट से। अगर मैं इसे कंपेयर करूँ, जो छोटे मोटे एलिमेंट्स है वो इसे काफी क्लासी बनाते हैं। अब इसका आपको हम कार्गो बेड दिखा देते हैं। ये हाई टेक है, बेसिकली ऊंचा कैबिन है, तो इसमें आप काफी सारा सामान लोड कर सकते हैं। मैं इसमें जाके आपको दिखा देता हूँ अंदर की तरफ। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको दिखेगा कार्गो स्पेस। यहाँ पर मुझे एक्सेस कर, मेरी बैटरी एक्सेस करने के लिए भी मेरे को ये यहाँ पर कंपार्टमेंट मिल जाता है, ताकि मैं यहाँ पर इजीली रिपेयर कर सकूँ, इजीली अगर कुछ भी खराब हो तो। ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे कि हमने शुरुआत में आपको बताया कि ऑयलर मोटर्स ने अपनी स्टॉर्म ईवी में ADAS को इंट्रोड्यूस किया है, तो उसी की तरह आपको मिलती है 10.25 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन, जिसमें कि मैप्स इंटीग्रेटेड है। आपको जिस भी रूट पे जाना, आप इजीली चार्जर्स कहाँ मिलेंगे, आपको कितनी रेंज बची है आपकी, आप इजीली यहाँ पर प्लान कर सकते हैं मैप्स को देखकर। यहाँ पर आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मिल जाती है जो कि कमर्शियल व्हीकल के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको मिल जाता है एक रिवर्सिंग कैमरा, और इसकी क्वालिटी आप देख लीजिए, काफी इजी है। मेरे को पीछे की तरफ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये रिवर्सिंग कैमरा मेरी काफी मदद कर रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे पास यहाँ पर मुझे देखने में लगेगा 12 वोल्ट का सॉकेट, लेकिन एक्चुअली अंदर एक सी टाइप चार्जर और एक ए टाइप चार्जर जैक भी दिया गया है। ये मेरे वॉल्यूम कंट्रोल हैं, काफी मिनिमलिस्टिक इंटीरियर है, जैसे कि एक कमर्शियल व्हीकल में आप एक्सपेक्ट करते हो। ऑयलर के स्टॉर्म के साथ आपको शेफर्ड ऐप भी मिल जाता है, जिससे आप इसकी रियल टाइम लोकेशन देख सकते हैं कहाँ गया है, आप नियर बाय चार्जर्स को भी देख सकते हैं, प्लस आप ये चीज भी देख सकते हैं कि मगर आपका चोरी हो गया है अगर, तो इमोबिलाइजर भी है, आप ऐप के थ्रू इसको कहीं भी लॉक कर सकते हैं। हमने आपको 10.25 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन दिखाई, जो कि सेगमेंट फर्स्ट फीचर है अगर मैं कमर्शियल व्हीकल्स की बात करूं। लेकिन एक और चीज आपको मिलेगी, एयर कंडीशनर, जो आपके ड्राइवर्स को काफी कंफर्टेबल रखेगा। आपको इसमें रिवर्स मोड मिल जाता है, हमने आपको कैमरा दिखाया। इसके अलावा आपको 3 ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं। पहला है रेंज,
जिसमें आपको काफी अच्छी रेंज मिलेगी। स्टॉर्म गाड़ी का नाम है तो थंडर नाम का ड्राइविंग मोड तो होना ही चाहिए, जिसमें आपको बेसिकली स्पीड मिल जाएगी। उसके अलावा है राइनो, जी ये आपको सबसे ज्यादा इंस्टेंटेनियस टॉर्क प्रोवाइड करेगा। आप बहुत ज्यादा लोड कैरी कर रहे हैं, पहाड़ पे ऊपर व्हीकल को चला रहे हैं, तो ऐसे में आप राइनो मोड पे शिफ्ट करिए और इजीली ये वेट को लेकर चढ़ाई चढ़ लेगा। यहाँ पर आपको एक फैन मिल जाता है जो कि बेसिकली मुझे आफ्टर मार्केट एक्सेसरी की तरह दिख रहा है। सीट्स की आप पोजीशन देख सकते हैं, कंफर्टेबल है, स्ट्रेट है, बेंच सीट है, हालांकि आप इन्हें फोल्ड नहीं कर सकते। स्टोरेज कैपेसिटी की बात करूँ तो नॉर्मल है, यहाँ पर आपको एक स्टोरेज मिल जाती है। यहाँ मेरे ड्राइवर और पैसेंजर के बीच में भी मेरे पास एक काफ़ी अच्छी स्टोरेज अवेलेबल है, जहाँ आप अपने पेपर्स रख सकते हैं, काफ़ी डीप है ये स्टोरेज। उसके अलावा आप यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। नीचे अगर यहाँ पर आप एसी लगाएंगे तो बीच में अगर कोई पैसेंजर बैठा है तो उसके लिए शायद फुटरेस्ट कम हो, लेकिन अगर एसी नहीं है तो ही शायद इसमें 3 पैसेंजर बैठ पाएंगे। ब्रेक लीवर आप देख सकते हैं यहाँ पर है, इसकी पोजीशन ऐसी रखी जाती है क्योंकि कमर्शियल व्हीकल्स के ड्राइवर्स को हैंड ब्रेक्स का इस्तेमाल काफ़ी बार करना पड़ सकता है, तो ये हैंडी रहना चाहिए, रीच में रहना चाहिए। स्टेयरिंग व्हील की क्वालिटी कुछ इस तरीके की है। यहाँ पर मेरे लाइट और वाइपर्स के कंट्रोल्स, जो स्क्रीन है यहाँ पर मुझे नॉर्मल एक डिजिटल स्क्रीन मिल जाती है, इसमें कुछ ज़्यादा फंक्शनैलिटी तो मुझे नहीं दिख रही है। बाकी ओवरऑल अगर मैं हेडरूम की बात करूँ तो मेरी हाइट है 6'4" की, स्टिल मेरे पास यहाँ पर काफ़ी अच्छा हेडरूम अवेलेबल है। सामने की तरफ आप देख सकते हैं कैमरा लगा हुआ है, डैश कैम कह लीजिए इसे, ये आपकी ट्रिप्स को रिकॉर्ड करेगा और आप फ़ोन पे भी इन वीडियो फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। 30 kWh बैटरी पैक के साथ ये प्रोड्यूस करता है, 30 kW की पीक पावर, 140 Nm का टॉर्क और 70 km की टॉप स्पीड। रेंज की बात करें तो सर्टिफाइड रेंज है अराउंड 200 km, लेकिन इन्होंने हमें रियल रेंज भी बताई है, काफ़ी ऑनेस्ट है यार आउलर मोटर्स वाले, और वो है 140 km। अब आ जाते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यानी कि प्राइसिंग पर। तो ऑयलर का स्टॉर्म स्टार्ट होता है 8,99,000 रुपये से, और इसके लॉन्ग रेंज मॉडल के लिए आपको खर्च करने पड़ेंगे 12,99,000। तो कैसा लगा ईवी में रेवोल्यूशन स्टॉर्म, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और जागरण हाईटेक को सब्सक्राइब करें।